गोरखपुर के कुसमी जंगल में स्थित बुढ़िया माता का मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। मान्यता है कि लकड़ी के पुलिया के पास बैठी बुढ़िया माता ने वहां से जा रही बारात के लोगों से नाच दिखाने के लिए कहा। बारात में शामिल जोकर ने तो नाच दिखा दिया, लेकिन किसी और ने उन्हें नाच नहीं दिखाया। लकड़ी की पुलिया पर चढ़ते ही पुलिया टूट गई और सारे बाराती पोखर में डूब कर मर गए। अकाल मृत्यु से भी भक्तों की रक्षा करती है माँ, तभी से लोग बुढ़िया माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। शारदीय नवरात्रि में इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए जुट जाती है। मान्यता है कि यहाँ भक्त जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। माँ अकाल मृत्यु से भी भक्तों की रक्षा करती है। गोरखपुर शहर के पूरब में स्थित कुसमी जंगल में निश्चित बुढ़िया माता का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इस मंदिर में बड़ी आस्था है। मंदिर के केयर टेकर जगत राय बताते हैं कि दूर दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन के साथ मुंडन और अन्य शुभ संस्कार के लिए आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर आस्था के प्रतीक देवी मां के इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहां आने वाले श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ कढ़ाई चढ़ाते हैं, हलवा पूरी बनाते हैं और माता के चरणों में अर्पित करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वाले श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेकने जरूर आते हैं। गोरखपुर और आसपास के जिले के अलावा नेपाल से भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला वर्षों भर जारी रहता है। मान्यता है कि आस्था का प्रतीक यह मंदिर काफी प्राचीन है। वर्षों पहले यह क्षेत्र वन होने के साथ ही विशालकाय वट वृक्षों से पटा हुआ था। मान्यता है कि सदियों पहले यहाँ पर एक बुढ़िया माता पुलिया के किनारे बैठी थी। उसी दौरान लकड़ी की पुलिया से बारात जाने लगी। बुढ़िया माता ने बारातियों से नाच दिखाने के लिए कहा, लेकिन बारातियों ने नाच नहीं दिखाया। इसके बाद बारात के लकड़ी की पुलिया पर चढ़ते ही पुलिया टूट गई और बारात पोखर में समा गई। बुढ़िया माता को नाच दिखाने वाला एक जोकर बच गया। सदियों पुराने बुढ़िया माता के मंदिर में श्रद्धालु वर्षों से हर नवरात्रि पर आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुढ़िया माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उन्हें धन धान से परिपूर्ण करती हैं। यहाँ पर पिछले 25 वर्षों से दर्शन के लिए आने वाले सत्य जायसवाल और प्रियंका जायसवाल बताती हैं कि उनकी बुढ़िया माता मंदिर में बड़ी आस्था है। माता उनके परिवार और बच्चों की रक्षा करती हैं। उनके दरबार में मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में बड़ी आस्था है। संजय जायसवाल कहते हैं कि दूर दराज के लोग सदियों पुराने इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।